गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, दिस इज द वीडियो ऑफ चैप्टर 16 परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स व्हाट? परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। दिस इज द वर्ड परसेंट। अगर हम इस परसेंट वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो पर मतलब होता है आउट ऑफ एवरी एंड सेंट मीन्स होता है 100। सो पर मीन्स एवरी एंड सेंट मीन्स 100। इट मीन्स हर एक 100 पर, मतलब आउट ऑफ 100। अगर बात की जाए 5%, सो 5% की वैल्यू क्या होगी, क्या मतलब होगा 5% का? सो 5 आउट ऑफ 100, क्योंकि इस परसेंट सिंबल का मतलब होता है आउट ऑफ 100। हमें किसी भी वैल्यू का परसेंट निकालना हो, इट मीन्स आउट ऑफ 100। सपोज दैट 10%, इसका मतलब होता है 10 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 मतलब होता है 10 100 में से, इट मीन्स 10 अपॉन 100, 5 अपॉन 100। अगर कहीं पूछा जाता है 17%, 17% का मतलब होता है 17 आउट ऑफ 100, इट मीन्स 17 अपॉन 100। तो दिस इज द परसेंटेज वैल्यू एंड दिस इज द न्यूमरल वैल्यू और नॉन परसेंटेज वैल्यू। तो इसमें से सिंपली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करना है, सिंपली रिमूव द सिंबल ऑफ परसेंट। अब सिंबल ऑफ परसेंट को रिमूव करने के लिए सिंपली 100 का डिवाइड कर दिया जाता है। सपोज दैट 30%, इसको सॉल्व करना है 30 अपॉन 100, इट विल बी 3 अपॉन 10। ये हो जाता है आपका परसेंटेज को हमने रिमूव कर दिया। अब परसेंटेज को हमें लगाना है, तो परसेंटेज को लगाते कैसे हैं? सिंपली हटाने के लिए 100 का डिवाइड किया, तो लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज दैट 2 अपॉन 10 लिखा हुआ है, कितना परसेंट? तो हम सिंपली 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, इट मीन्स 20%। तो इसको कहा जाएगा कि 2 जो है 10 का 20% है। हम बोलते हैं कि 5 20 का कितना परसेंट है, 5 हाउ मच परसेंट ऑफ 20। सो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट, 25 जा 100, 5 5 जा 25, इट मीन्स 25%। कहा जाता है 20 हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट ऑफ 50, कि 20 50 का कितना परसेंट है, इट मीन्स परसेंट वी हैव टू इंसर्ट इट देयर। देन 20 कितने का, 50 का, हाउ मच परसेंट, परसेंट का 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 2 जा 100, 20 2 जा 40, इट मीन्स 40%। तो ये 40% है, कौन? 20 50 का 40% है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्स ट्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर। इट मींस जिसका जो कुछ भी डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर हमें 100 बनाना है। यू नो 100 बनाने के लिए, जैसे 5 को 100 में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ 5 में 20 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 20 जा 100 हो जाएगा, या 25 जा 100 हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में जब 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कंपल्सरी टू मल्टीप्लाई 20 विद द न्यूमरेटर ऑल्सो। सो हो जाएगा 20 3 जा 60 अपॉन 100। कर दिया हमने इसके इक्विवेलेंट और टेकिंग डिनोमिनेटर एज 100। इसको देख रहे हैं 50 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 हमें चाहिए डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमने सिंपली 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 66 अपॉन 100 हो जाएगा। सिमिलरली 11 अपॉन 25 है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 44 अपॉन 100 हो जाएगा। सेम टू सेम इनको कर लेंगे, इसमें होगा, सबसे पहले इस मिक्सड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में लेके आएंगे, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 9 अपॉन 8 है, ठीक है। अब हमें यहाँ देख रहा है कि 8 को 100 में हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देख रहा है कि 12.5 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 12.5। अब 12.5 को कैसे पता चला 12.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता करना है कि कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितने में करना है, 8 में करना है, तो हम 8 का डिवाइड करके देख लेंगे, 8 2 जा 16, यहाँ हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 2 जा 16 का 8 1 जा 8,
टू बचेगा, ब्रिंग डाउन जीरो, एट टू जा 16, फिर फोर बचेगा, डेसिमल लेके जरूर लगेगा, 85 जा 40, इट मीन्स 12.5 का हम मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे एंड 12.5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ नहीं किया, इसमें डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना था तो कुछ एक नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में किया तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर टू को हमें इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अभी हमने कहा था परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो हो जाएगा, एक जीरो कटेगा, 10% मल्टीप्लाई बाय 100, 25 जा 100, 95 जा 45, ये बचेगा आपका 45%। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 25 फोर जा 17, फोर जा 68%। ऐसे ही हर जगह होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 100 का, इसको मल्टीप्लाई करने से पहले मिक्सड फ्रैक्शन में लेके आएंगे, 11 फोर जा 44 एंड 145 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4500 डिवाइडेड बाय 11। अब इस 11 का डिवाइड कर देंगे, सिमिलरली यहाँ होगा 100 का मल्टीप्लाई होगा, जीरो कटेगा, 370 हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, 100 का सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ परसेंटेज। इट मीन्स इन डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नंबर चाहे डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, हमें केवल 100 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का, अब आप जानते हैं कि 0.05 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, तो बेसिक सी चीज़ें हैं, यहाँ 5 बन जा 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये दो डेसिमल नंबर हैं, दो डेसिमल प्लेस हैं, तो ये टू डेसिमल प्लेस इन टू जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ओनली आंसर 5 आ जाएगा, 5%। अब एक्चुअली में होता कैसे, एक क्वेश्चन को डीपली समझा देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे उसका जी पार्ट 32.2। क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट जी 32.2, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 32.2 मल्टीप्लाई बाय 100% इक्वल टू, सीधा सा मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, मान लेते हैं इस डेसिमल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए तो हो जाएगा 322, 322 बन जा 322, ठीक है, यहाँ दो जीरो थे लगा दीजिए, वन डेसिमल प्लेस था तो वन डेसिमल प्लेस इंसर्ट करेंगे, क्या बचेगा 3220%। ओके, वन मोर पार्ट 6.75 पार्ट आई, 6.75 दिस नंबर वी हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100%। अभी देखिए यहाँ 20 से ये टू डेसिमल प्लेस कैंसिल हो जाएगा, नहीं ऐसे में क्लियर होता है तो सिंपली अपना जो मेथड होता है उसी से कर लीजिए, डेसिमल को कुछ समय के लिए इग्नोर कर दीजिए, बचेगा 675, तो 675 बन जा 675, 20 थे इंसर्ट कर दीजिए। अब बाद में हम इस डेसिमल को इंसर्ट करेंगे, कितने डेसिमल प्लेस थे, 1212, क्या बचेगा 675%, दिस विल बी द आंसर देयर ऑफ पार्ट आई। क्वेश्चन फोर, फोर्थ क्वेश्चन इज, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज द फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म। मतलब इन परसेंट को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद में उसको लोवेस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, तो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है उसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ कट रहा होगा तो हम काट देंगे। पार्ट जी देख लेते हैं, एच जे एंड आई, रिमेनिंग पार्ट्स आप करेंगे। पार्ट जी 9 होल 1/3%। क्वेश्चन नंबर फोर, पार्ट जी 9 होल 1/3%, इस परसेंट को रिमूव करना है, अभी कहा था परसेंट को, परसेंटेज को रिमूव करना है तो 100 का सीधा सा डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस मिक्सड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, दिस विल बी 9 3 27 एंड 128 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 28 100 अपॉन 3,
नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है भाई। 9 होल 1/3% इक्वल टू 9 3 27 28/3% मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब डिवाइड बाय 100, डिनोमिनेटर में है तो हो जाएगा 28/300। अब हमें इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज द इवन नंबर, दिस इज द इवन नंबर। सबसे पहले हम किसी एक नंबर से इन दोनों नंबर्स को कॉमन नंबर से काटते हैं, एक ही बार में काटना चाहते हैं तो हम इसके किस पर जाते हैं, एच सी एफ पे। एच सी एफ ही एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर्स को एक बार में कंप्लीटली काट सकता है, जितना भी कटना होगा। एच सी एफ हम देखते हैं तो यहाँ पर एच सी एफ इसका 4 हो जाएगा। 4 7 या 28 होता है, 7 टाइम 28 कट जाएगा। इसको हम जब काटते हैं 4 से, 4 7 या 28 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 20। 4 5 या 20 मतलब 75, 4 जा 300 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। इससे छोटा लोवेस्ट टर्म नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 7 जो है प्राइम नंबर है। अब आगे ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट एच, 85% है, ये तो आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। जे देख लेते हैं, 11 होल 1/9% पार्ट जे, 4 पार्ट जे, दिस इज 11 होल 1/9%। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस मिक्सड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। 99 11 9 जा 99 एंड 1 100/9 परसेंटेज हटाएंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने 100 का डिवाइड कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बट बचेगा 1/9। दिस विल बी द आंसर देयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, ओनली हमें परसेंटेज को रिमूव करना है तो 100 का डिवाइड करेंगे, परसेंटेज लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल इस परसेंटेज को रिमूव करेंगे, इसके बाद में जो कुछ भी नंबर आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में क्या किया था, क्वेश्चन फोर्थ में क्या किया था कि जो कुछ भी नंबर आया था परसेंटेज को हटाने के बाद उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था और उसके लोवेस्ट टर्म में लेके गए थे, उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया था। लेकिन इसमें भी वही का वही मेथड करेंगे, पहले परसेंटेज सिंबल को हटाएंगे, जो कुछ भी आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, फिर हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, लोवेस्ट टर्म में नहीं करेंगे। करते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, पार्ट ए 10%, इट मीन्स 10/100 सीधा हो जाएगा 1/10। 1/10 को क्या लिख सकते हो, 0.1। ओके, पार्ट डी 30.5%। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द परसेंट सिंबल, और सिंबल परसेंट को रिमूव करने के लिए 100 का डिवाइड किया जाता है। अब हम देख रहे हैं 30.5 इस दिस न्यूमरेटर हैज़ वन डेसिमल प्लेस एंड डिनोमिनेटर में 100 है, 100 हैज़ 2 0s with 1। सो सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए 20 है, न्यूमरेटर में 2 decimal place और बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब अभी इस नंबर में ओनली 1 decimal place है, 2 और बढ़ा देंगे 3 decimal place हो जाएगा। दिस इज द आंसर। सीधा सा प्रोसेस होता है, जबकि 10 और हायर पावर ऑफ 10 डिनोमिनेटर में होता है। 10 और हायर पावर ऑफ 10 का मतलब है कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, इस तरीके से 1 के साथ में जितने भी जीरो होते हैं उतने डेसिमल प्लेस न्यूमरेटर में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। पार्ट ई 97% है, सीधा 97% को हटा के 100 का डिवाइड कर दिया जाएगा, और यहाँ 100 में 00 हैं तो 2 decimal place इंसर्ट कर देंगे। दिस विल बी 97%। पार्ट एफ 105%, 105 डिवाइडेड बाय 100, 2 zeros आर देयर, सो 2 decimal place इंसर्ट कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज नहीं आएगा, ये आंसर हो जाएगा। 3 4 5% इट मीन्स 345 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल बी 20 हैं, 2 decimal place इंसर्ट हो जाएगा, 345 विल बी द आंसर देयर। दिस वॉज द कम्प्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1।